तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक एक पत्ता हमारा सुंदर हो और उस पर कोई भी धूल की परत नहीं होनी चाहिए। शेडी एरियाज का मतलब ये नहीं है कि आप इनको बिल्कुल कमरों में रख रहे हैं, आप इनको खुली जगह पे रखिए। ब्राउन सिंगोनियम भी है, ग्रीन सिंगोनियम भी है, ऊपर वाइट भी है कि 2 महीने जब साउथ फेसिंग में आपके ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं तो कुछ ओवर एक कवर होना चाहिए ग्रीन शीट की फॉर्म में ही। यही छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स हैं अगर हम इन पे काम करें तो हमारा गार्डन बहुत सुंदर दिखता है। घर में जैसे डस्टिंग होती है ना, ऐसे मैं अपने पेड़ पौधों की भी डस्टिंग करती हूँ। आइए संदीप जी, अब मैं आपको एक छोटा सा अपना ग्रीन हाउस में लेके चलती हूँ। जी, ये हमारा एक बहुत ही वाव एलिमेंट है हमारे घर का। ब्यूटीफुल, तो यहाँ भी काफी चेंजेस हुए मैम लास्ट टाइम। यहाँ भी बहुत चेंजेस हुए हैं। यस, आप जानते हैं, सो आई एम ग्लैड। तो ये देखिए, ये हमारा एक केन का झूला है, ये देखिए, ये हमारे डिफनबेकियाज हैं बड़े बड़े, ये हमने दोनों तरफ लगाए हैं अपने केन के झूले के। आप देख सकते हैं ये गोल्डन पोथोस की बहुत सुंदर बास्केट्स मैंने हैंग करी हुई हैं। ब्यूटीफुल, तो मैम यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे इंडोर प्लांट्स हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि किस तरह से आप यहाँ पे इंडोर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके अभी प्रॉपर सनलाइट नहीं है तो वो इस तरह के प्लांट चूज कर सकते हैं। हाँ, सो मैं ग्रीन प्लांट्स के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी ड्राइसेना की वेराइटीज़ हैं या एग्लोनीमाज हैं, लिपस्टिकाज हैं या पोथोज हैं, मनी प्लांट्स हैं, दे वर्क ब्यूटिफुल अंडर सेमी शेड एरियाज या इस तरह के जो शेडी एरियाज होते हैं। शेडी एरियाज का मतलब ये नहीं है कि आप इनको बिल्कुल कमरों में रख रहे हैं, आप इनको खुली जगह पे रखिए जहाँ पे इनको एक प्रॉपर हवा आ रही है, लेकिन एरिया शेडी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मैंने एरिकास भी लगाए हुए हैं, सिपोशिया भी पीछे लगा हुआ है, रेड पाम भी है, तो ये इस तरह का पीस लिली जो है बहुत सुंदर तरीके से शेडी एरिया में ग्रो करती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत पीस लिली का भी एक पूरी रो लगाई हुई है पीछे उधर पिकेट फेंस के, और फिलोडेंड्रॉन्स लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये रेड फिलोडेंड्रॉन्स हैं, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये साथ में ये गोल्डन मनी प्लांट है बड़ा वाला चौड़े पत्तों का। ये मैंने यहाँ पर ये बर्किन लगाया हुआ है, ये बहुत सुंदर जो है ये सेमी शेड पे चलता है। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं एवरग्रीन, ये सारे सेमी शेड पर बहुत सुंदर सेमी शेड एरियाज में ग्रो करते हैं। संदीप जी, एक ये मेरा कॉर्नर है जो मैंने स्टेप्स में बनाया हुआ है, इसमें ये आप देखिए ये पांडा लगाया हुआ है मैंने, पांडा फाइकस है। बीच में ये मेरा फीनिक्स पाम लगा हुआ है, और यहाँ पर सिंगोनियम है। सिंगोनियम वैसे तो मैंने 2-3 तरह के लगाए थे, ब्राउन सिंगोनियम भी है, ग्रीन सिंगोनियम भी है, ऊपर वाइट भी है। आप सब इस बात को तो आप जानते होंगे कि सिंगोनियम की कई वैरायटीज आती हैं, गोल्डन होता है, वाइट होता है, पिंक होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है। पिंक को लगाने में थोड़ा चैलेंज आता है कि वो सर्वाइव नहीं करता है। हाउएवर जो गोल्डन सिंगोनियम होता है, वाइट या स्पाइडर सिंगोनियम, ब्राउन सिंगोनिया, ये सारे चल जाते हैं। तो मैंने एवरग्रीन किया हुआ है, ये परमानेंट 12 महीने बिल्कुल ग्रीन रहता है। जब बहुत धूप आएगी तो मैं ऊपर से ग्रीन शीट लगा देती हूँ, जिससे कि इनको जो 12 से 3 बजे की जो धूप होती है उससे इनका बचाव हो जाता है, क्योंकि ये मई जून इनके लिए बहुत चैलेंज होता है 2 महीने। तो वी हैव टू बी अगेन वेरी केयरफुल कि 2 महीने जब साउथ फेसिंग में आपके ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं तो कुछ
ओवर एक कवर होना चाहिए ग्रीन शीट की फॉर्म में, सो दैट 12 बजे से 3 बजे की धूप में ये आपके पेड़ पौधे जो हैं बच जाएं, नहीं तो ये जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं जी। इसी के साथ ही मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने पहले फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की, उसमें आपने बताया कि DAP, वर्मी कंपोस्ट, इसी तरह की कई सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो बात करें अगर इंडोर प्लांट्स की, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने इंडोर प्लांट्स में क्या क्या डालें लाके, तो आप उनके लिए प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें। देखो टाइम टू टाइम मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, ओकला खाद मैं डलवाती हूँ अपने माली से 3 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार, बट मैं एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करती हूँ, नीम कवच का भी स्प्रे करती हूँ, उसको डाइल्यूट करके जो स्प्रेयर्स हैं हम लोगों के पास, गार्डनर्स के पास, सभी के पास होते हैं, उसमें मैंने जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को अच्छे से मिक्स किया और उसका स्प्रे दे दिया वंस इन अ मंथ या वंस इन 20 डेज। उससे जो ग्रीन कलर है आपके पेड़ पौधों का वो बहुत इंटैक्ट रहता है, बहुत ब्राइट ग्रीन कलर होता है और पौधा जो है वो बहुत सुंदर लगता है। ये तो हुई जो मैं बायो एंजाइम्स यूज़ करती हूँ या मैं एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करती हूँ, कई बार आपको रोगर का भी स्प्रे करना पड़ता है क्योंकि हमारे फरीदाबाद में प्रॉब्लम होती है दीमक की, तो उस चीज़ से हमें अपने पेड़ पौधों को बचाना पड़ता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बियॉन्ड इन सब चीज़ों के मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप अपने हाथ से इन पेड़ पौधों को, इनके पत्तियों को साफ करें, क्योंकि हम इंडोर प्लांट्स तो रखना चाहते हैं लेकिन अगर हम इंडोर प्लांट्स रख रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक एक पत्ता हमारा सुंदर हो और उस पर कोई भी धूल की परत नहीं होनी चाहिए। तो यकीन मानिए रोज़ मेरा सुबह ये काम होता है कि मैं एक स्प्रे बॉटल में पानी भर के मुझे एक एक पत्ते को मैंने साफ़ करना होता है, क्योंकि तभी वो एक सुंदर लुक आएगा और आपको लगेगा हाँ आपके पेड़ पौधे जो हैं वो सुंदर तरीके से चमक रहे हैं, वो गंदे नहीं दिख रहे। दूसरा पॉइंट कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं या जो ख़राब हो जाती हैं उनको मैं हैंड पिकिंग करती रहती हूँ, उनकी मैं सफाई करती रहती हूँ। अगर ये मेरा, आप ये देखिए मेरे सारी बास्केट्स में संदीप जी, आप देखिए कहीं भी आपको पीली पत्ती नहीं दिखेगी। ये प्रेजेंटेशन की बात होती है, इसी से ही यही छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स हैं अगर हम इन पे काम करें तो हमारा गार्डन बहुत सुंदर दिखता है। पीली पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, उनको टाइम से हम उनको हटाएं, हम एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करें, हम अपने हाथों से एक एक पत्ती को साफ रखें। आप खुद भी देख रहे होंगे कि मेरे सारे पेड़ पौधे कैसे चमक रहे हैं जी। आप अगर आप देखेंगे कि आप घर में जैसे डस्टिंग होती है ना ऐसे मैं अपने पेड़ पौधों की भी डस्टिंग करती हूँ। संदीप जी, जैसा कि शायद आप नहीं जानते हैं तो आपके माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता लैंडस्केप आर्टिस्ट और गार्डन कंसल्टेंट हूँ और नेचर थेरेपिस्ट भी हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टॉक्स देती हूँ जहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को बोलती हूँ कि नेचर के साथ जुड़िए और उनके साथ इमोशनल कनेक्ट कीजिए। वाओ, तो मैम का जो आईडी है, इंस्टा का आईडी, वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया फ्रेंड। तो अगर आपको कुछ भी बात करनी है, कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल संदीप जी, और मैं जब काम करती हूँ, मैंने अभी तक 20-22 गार्डन्स करे हैं दिल्ली NCR में। वाओ, और मैं पूरा ब्यूटिफिकेशन और कम्प्लीट प्रेजेंटेशन पर काम करती हूँ। नाइस, तो ऐसे जैसे मैं अपने घर में काम करती हूँ ऐसे ही मैं अपने क्लाइंट्स के भी गार्डन्स, चाहे वो ऑफिस गार्डन्स हो या रेजिडेंशियल गार्डन्स हो, मैं बना के देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आशा करता हूँ कि करुणा जी का ये गार्डन आपको बहुत पसंद आया होगा। लास्ट टाइम भी मैं विजिट किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, कई सारे व्यूज़ आए थे, तो इस बार भी मुझे आने का मौका मिला यहाँ पे और मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ कवर करी हैं। इंस्टाग्राम पे भी रील्स मैम की आती रहेंगी, तो आप वहाँ पे विजिट करके वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा मैं ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियोस अलग अलग टेरेस गार्डनर के गार्डन कवर करता ही रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टा पर भी फॉलो करिएगा। मिलूंगा ऐसे किसी और गार्डन में, तब तक के लिए बाय।